अब आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं, अब आप जेल देखेंगे। जब एक पेशी के दौरान जज ने नटवर लाल से पूछा, तुम ये सभी कारनामे कैसे कर लेते हो, तो नटवर लाल ने कहा, अगर आप मुझे एक रुपया दें तो मैं बता दूं। जज ने उसे अपनी जेब से एक रुपया निकाल कर दिया तो नटवर लाल ने कहा, बस ऐसे ही, मैं किसी को ठगता नहीं हूँ, लोग अपने आप ही मुझे अपने पैसे दे देते हैं। ऐसा था नटवर लाल, भारत का सबसे शातिर ठग। साल 2009 में नटवर लाल की मौत के वक्त उसके ऊपर चल रहे 100 से ज्यादा मुकदमे, 113 साल की कैद की सजा और न जाने कितने अमीर सेठों से चुराई संपत्ति उसकी जिंदगी का सरमाया थी। नटवर लाल वो लेजेंडरी व्यक्ति था। आज किसी शातिर चोर के बारे में बात होती है तो उसे नटवर लाल की संज्ञा देकर उसका मान बढ़ाया जाता है। इस ठग के कई किस्से मीडिया में चर्चित है। आज हम उन्हीं में से कुछ अनसुने अनकहे किस्से आपके लिए लेकर आए हैं, तो आज की वीडियो मिस मत करना। नटवर लाल बिहार के सिवान जिले के जीरदेई गांव में पला बड़ा था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी गांव था। इस गांव के दोनों ही सपूतों ने बाद में LLB की डिग्री हासिल की, वकील बने। एक राष्ट्रपति भवन पहुंचा, एक ने राष्ट्रपति भवन ही भेज डाला। नटवर लाल ने अपने जमाने में अपने गांव से निकले राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा था। राष्ट्रपति के फर्जी सिग्नेचर और कागजात की मदद से नटवर लाल ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन दोनों भेजने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। इसके अलावा नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किले भी विदेशी लोगों को बेच डाले। कहते हैं नटवर लाल लोगों के साइन कॉपी करने में माहिर था। उसे इस बात का अंदेशा तब हुआ जब बचपन में एक पड़ोसी ने नटवर लाल को बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए भेजा। नटवर लाल ने देखा कि साइन तो वो भी कर सकता है और उसने हूबहू उसी तरह के साइन करके अगले कुछ वक्त के दौरान अलग अलग किश्तों में 1,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। जल्द ही नटवर लाल की चोरी पकड़ी गई और वो कलकत्ता चला गया। शेर के मुंह को खून लग चुका था। फिर शुरू हुआ एक ऐसा किस्सा जिसने उसे 9 बार देश की अलग अलग जेलों में रखा और 8 से ज्यादा राज्यों की पुलिस को उसका दुश्मन बना दिया। पर नटवर लाल को सिर्फ जेल में रखा जा सकता था, कैद नहीं किया जा सकता था। उसका जब मन किया वो जेल से बाहर आकर भाग गया। जब नटवर लाल आखिरी बार जेल में था तो 1996 का साल था और उसे करीब 100 साल से ज्यादा की सजा हो रखी थी। यानी कि तय था कि अब मरते दम तक नटवर लाल को जेल में ही रहना है। हालांकि कुछ वक्त बाद उसकी तबीयत जरा बिगड़ने लगी। उस वक्त वो 84 साल का था, चल भी नहीं पा रहा था। इलाज के लिए उसे कानपुर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 पुलिस वालों को उसके साथ भेजा गया। हालत खराब होने के कारण नटवर लाल को व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था, या कम से कम पुलिस को तो यही लगता था। एम्बुलेंस को दिल्ली स्टेशन पर बुलाया गया और इसी बीच व्हीलचेयर से हटाकर नटवर लाल को एक बेंच पर बिठा दिया गया। फिर उनमें से 2 पुलिस वाले कुछ काम से इधर उधर हो गए और एक जो पुलिस वाला था वो बच गया। उस पुलिस वाले से नटवर लाल ने चाय मांगी तो वो पुलिस वाला चाय लेने चला गया। उसे पता था चाय में 2 मिनट का समय लगेगा और ये बीमार इंसान कौन सा कहीं भागने वाला है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब तक पुलिस वाला वापस आया उसने देखा नटवर लाल गायब था। तब पुलिस डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि किस तरह नटवर लाल ने बीमार होने के बहाने खुद को इतना लाचार दिखाया कि पुलिस द्वारा ढील बख्शी जाए और मौका देखकर वो निकल जाए। इस घटना के साथ ही नटवर लाल 8वीं बार जेल से फरार हो चुका था और इसके बाद नटवर लाल कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। नटवर लाल की सबसे मशहूर ठगियों में से एक वो है जब नटवर लाल ने उस वक्त के वित्त मंत्री एनडी तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक घड़ी की दुकान पर दर्शन दिए थे। उन्होंने इस दुकानदार को कहा कि कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें राजीव गांधी उन्हें आखिर में एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं। एनडी तिवारी को ये काम सौंपा गया है तो वो कहते हैं आप सबसे महंगी और अच्छी घड़ी हमें दिखाइए। नटवर लाल ने खुद घड़ियां पसंद की और कहा कि हम डिलीवरी नॉर्थ ब्लॉक में लेंगे। बता दें नॉर्थ ब्लॉक में सभी जरूरी मंत्रालयों का दफ्तर था। अगले दिन नटवर लाल वहां आया और उसने सभी घड़ियां पैक करवा कर दुकान के एक मुलाजिम को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे तो नटवर लाल ने उसे पूरी पेमेंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बना कर दिया और घड़ियां लेकर चला गया। 2 दिन बाद पता चला वो डिमांड ड्राफ्ट नकली था और वो दुकानदार लुट चुका था।
दोस्तों, नटवरलाल का नाम नटवरलाल भी एक ठगी की वजह से ही पड़ा था। दरअसल नटवरलाल या कहें उस वक्त का मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव अपने एक साथी के साथ एक बार बॉम्बे के कॉटन अधिकारी के परचेज अफसर के रूप में कॉटन मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, जहां उसने नकली दस्तावेजों के दम पर उनसे एडवांस पैसे मांगे और डिलीवरी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए कहा। जब वो लोग बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इस घटना के बाद मिथिलेश को पकड़ लिया गया, पर पुलिस को नहीं पता था कि ये मिथिलेश है और उन्होंने इसे मिथिलेश का दूसरा साथी समझा। और सोचिए उस दूसरे आदमी का नाम क्या था। जी हाँ, उसका नाम नटवरलाल था, जो कि गुजराती था। तभी से मिथिलेश कुमार या मिथिलेश बाबू को नटवरलाल के नाम से पुकारा जाने लगा। वहीं नटवरलाल, जिसे 8 राज्यों की पुलिस से ढूंढ रही थी और हर राज्य में उसने अलग अलग नामों से ठगी की थी। पुलिस के अनुसार नटवरलाल के 52 नाम थे। देवताओं के बाद सबसे ज्यादा नाम वाला शख्स शायद नटवरलाल ही था। नटवरलाल जेल से भागने में बड़ा उस्ताद था। एक बार उसने जेल के अंदर एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी मंगा ली थी। उसने जेल के गार्ड्स को लालच दिया कि उसके पास एक अटैची है जिसमें काफी रुपए हैं और अगर वो उसका जेल दरवाजा खोल दे तो वो उन्हें पैसे दे देगा। लालच में आए उन पुलिस वालों ने उसके लिए ताला खोल दिया और सब इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन नटवरलाल शान से बाकी पुलिस वालों को सैल्यूट स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ गया। जब उसे छुड़ाने वाले पुलिस वालों ने वो अटैची खोलकर देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें सिर्फ अखबार भरा हुआ था। कहते हैं इस तरह के जितने भी सीन आप इस वक्त की फिल्मों में देखते थे वो सब नटवरलाल के कारनामों से इंस्पायर्ड है। अब इस कहानी को ले लीजिए जो सोशल मीडिया पर बड़े मशहूर है, लेकिन सच है। लखनऊ सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड के हवाले से ये कहानी हम आपको बता रहे हैं। एक बार जब नटवरलाल 1.5 साल से जेल में बंद था तो उस वक्त उसकी बीवी के कई खत आए, लेकिन जेल में आने वाले जाने वाले सभी खत मॉनिटर किए जाते थे और पुलिस अधिकारी उन्हें पढ़ते थे। खत में लिखा होता था कि किस तरह परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, पैसे की कमी थी वगैरह वगैरह, लेकिन नटवरलाल कभी इन खतों के जवाब नहीं देता था। जब एक दिन जेलर ने खुद नटवरलाल से कहा तुम अपने परिवार वालों के लिए एक खत तो लिखो, तो नटवरलाल ने खत में लिख दिया, खेत की जमीन के एक हाथ नीचे खुदाई करना, तुम्हें मेरे छुपाए हुए कुछ गहने मिल जाएंगे, उन्हें बेचकर कुछ वक्त अपना गुजारा करो, बाद में मैं यहाँ से छूट ही जाऊंगा। खत जब जेलर ने पढ़ा तो उसने फौरन ही लोकल पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस ने वहां जाकर पूरी जमीन से खुदाई कर डाली, पर उन्हें एक सुई भी हाथ न लगी। कुछ दिनों बाद एक और खत आया। जेलर ने खत पढ़ा तो उसे मालूम चला ये खत नटवरलाल के नहीं उसके लिए लिखा गया है, जिसमें उसकी बीवी ने खेत जुतवाने के लिए जेलर साहब को शुक्रिया और उनकी लंबी उम्र की कामना भेजी है। नटवरलाल की इन्हीं बातों की वजह से आज भी उनके गांव में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। कहते हैं एक बार नटवरलाल 3 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने सभी गांव वालों के लिए एक महाभोज का आयोजन किया और जाते जाते सभी को 100-100 रुपए भी दिए। इसके अलावा भी गांव वालों पर नटवरलाल के काफी एहसान थे, बच्चों की पढ़ाई से लेकर लड़कियों की शादी तक। नटवरलाल ने हर काम में गांव के किसी न किसी घर की मदद जरूर की थी, जिस कारण गांव में आज भी उन्हें मिस्टर नटवरलाल कहते हैं। हाल ही में इनके गांव में उनकी एक मूर्ति बनवाने की मांग भी उठी। डर बस यह है कि मूर्ति अगर ज्यादा महंगी बनवा दी तो कहीं उसे नटवरलाल ही चुरा ना ले जाए। अब दोस्तों, यह अतरंगी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसी और वीडियोस चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, फिलहाल इतना ही, जल्द ही लौटेंगे एक मजेदार वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत।